नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय हो अकेडमी में। थिंकर्स वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के प्रवर्तक, महान संत और समाज सुधारक गुरु नानक देव जी के बारे में। इस वीडियो के साथ मैं जयपाल सिंह अपने चैनल पर एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। अब मेरे द्वारा आपको प्रत्येक वीडियो में एक मोटिवेशनल कविता या कोटेशन, साथ ही एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन MBBSC प्री 2019 को टारगेट करके तैयार किया जाएगा, इसलिए आप सभी इसका आंसर जरूर कमेंट करें। मोटिवेशनल कविता या कोटेशन मेरे द्वारा इसलिए दिया जाएगा ताकि आप MBBSC 2019 के लिए सकारात्मक हो सकें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी करते रहें। तो आज के वीडियो की जो मोटिवेशनल कविता है वह खुद मेरे द्वारा लिखी गई है और यह मेरे जीवन की पहली कविता है जिसको मैंने खुद लिखा है। आशा करता हूँ कि यह कविता आपको मोटिवेट करने में सहायक होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कविता कैसी लगी। तो मेरी कविता है, तू ना रुके तू ना थमे, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, मुश्किलें तेरे सामने अपना शीश झुकाकर चलें, तू ना रुके तू ना थमे। अगर आपको यह कविता पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें। और आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि कोप इंडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। हमारा क्वेश्चन है, कोप इंडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इनके जीवन परिचय क्या था, इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गईं और इनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख किताबें लिखी गईं, साथ ही इनके क्या नैतिक विचार और सिद्धांत थे। तो इन सभी चार टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे सभी को एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 1469 में तलवंडी स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। आपको याद रखना है, इनका जन्म 1469 में तलवंडी स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। तलवंडी, जिसको वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो तलवंडी स्थान था उसका नाम अब ननकाना साहब कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ननकाना साहब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक शहर है। इसका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है। इसका पुराना नाम तलवंडी था। चूंकि यह स्थान गुरु नानक देव का जन्म स्थान है, इसलिए यह सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है। यह विश्व भर के सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ का गुरुद्वारा साहब पवित्र बहुत प्रसिद्ध स्थान है। जो ननकाना साहब है इसका नाम नानक जी के ही नाम पर पड़ा है। उसका पुराना नाम था तलवंडी और इनका जन्म स्थान होने के कारण यह सिख धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, आपको याद रखना है। इनके पिताजी का नाम मेहता कालू चंद और माता जी का नाम तृप्ता देवी था। आपको इनके माता जी और पिताजी का नाम याद रखना है। नानक जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। यह बचपन से ही एक उच्च योग्यता से भरे हुए बालक थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने संदेश दिया था कि ईश्वर एक है और हम सब उस एक पिता की संतान हैं। आप समझ सकते हैं कि 5 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने यह संदेश दिया था कि ईश्वर एक है और हम सब उस एक पिता की संतान हैं। तो यह बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। नानक जी अपना अधिकांश समय हिंदू मुस्लिम संतों के साथ गुजारते थे। इस संगति का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का प्रभाव था। नानक जी बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम धर्मों में जो संत थे उनके साथ बैठना पसंद करते थे और उनके जो उपदेश थे उनको ग्रहण करते थे। इसलिए उनके जीवन पर इन दोनों धर्मों के सही बातों का बहुत प्रभाव पड़ा। 30 वर्ष की आयु में पंजाब राज्य के सुल्तानपुर नगर के पास बहती नदी बायन में स्नान करते समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में कहा कि ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू।
तो इनको 30 वर्ष की आयु में पंजाब में एक नगर है सुल्तानपुर, वहाँ पे एक नदी बहती है नदी बायन, वहाँ स्नान करते समय इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में कहा कि ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू, यानी सब लोग बराबर हैं, ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू, सभी मानव हैं और मानव को मानव से प्रेम करना चाहिए क्योंकि सभी समान हैं। अपने ज्ञान को प्रसारित करने के लिए उन्होंने संत कबीर का मार्ग अपनाया, तो एक संत कबीर जी के शिष्य माने जाते हैं और उनका शिष्य होने के कारण इन्होंने उनके मार्ग को अपनाया और ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो यह चारों ओर घूम घूम कर अपने उपदेश करने लगे, यानी यात्री जीवन व्यतीत करने लगे। यात्री जीवन को पंजाबी में उदासी जीवन कहा जाता है, यानी कि यह अपने ज्ञान को प्रसारित करने के लिए जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये एक यात्री का जीवन व्यतीत करने लगे और घूम घूम कर अपने उपदेश लोगों को देने लगे। उन्होंने लोगों को अपने उपदेश उन्हीं की भाषा में दिए, यानी इन्होंने अपने उपदेश लोगों को उन्हीं की बोलचाल की भाषा में दिए जिससे इनके उपदेश लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सकें। 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए जिनमें भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। तो 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए जो ये उपदेश देने के लिए यात्रा पर निकले थे, तो इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और मुख्य स्थानों पर भ्रमण किया। तो काफ़ी देशों की इन्होंने यात्रा की। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यात्री जीवन को पंजाबी में उदासी जीवन कहा जाता है। इन यात्राओं में उनके साथ उनके शिष्य लहना, बाला और मर्दाना भी थे। तो इनकी जो यात्राएं थीं इनमें इनके शिष्य भी थे, इनके नाम थे लहना, बाला और मर्दाना। नानक जी अंतर जातीय खान पान को प्रोत्साहित करने के लिए भंडारा कार्य करते थे। ये अंतरजातीय खान पान को प्रोत्साहित करने के लिए भंडारा कार्य करते थे जिसको सिख धर्म में लंगर कहा जाता है। जो आप आज देखते होंगे सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था, तो वह नानक जी द्वारा ही प्रारंभ मानी जाती है और यह व्यवस्था नानक जी ने अंतरजातीय खान पान को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की थी। इस लंगर व्यवस्था से जाति बंधन शिथिल हुए और सिखों में सामाजिक समानता की भावना का विकास हुआ। चूँकि उनका उद्देश्य एक अंतरजातीय खान पान को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि नानक जी जाति व्यवस्था के विरोधी थे और जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उन्होंने यह व्यवस्था आरंभ की। और इस व्यवस्था से जाति बंधन शिथिल हुए और सिखों में सामाजिक समानता की भावना का विकास हुआ। तो इस व्यवस्था से काफ़ी लाभ हुआ और एक समानता की भावना सिखों में आई। नानक जी ने स्वयं अपना कोई पृथक धार्मिक संप्रदाय बनाने का विचार भी नहीं किया। आपको ये याद रखना है कि उन्होंने स्वयं अपना कोई पृथक धार्मिक संप्रदाय बनाने का विचार ही नहीं किया था, क्योंकि वह स्वयं एक हिंदू क्षत्रिय और सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले थे। आपको याद रखना है कि चूँकि नानक जी को सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने स्वयं सिख धर्म की शुरुआत नहीं की थी, क्योंकि वे एक सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने जो शिष्य बनाए थे वो कालांतर में सिख कहलाने लगे। बाद में विभिन्न कारणों के फलस्वरूप सिख धर्म एक पृथक धार्मिक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। तो उन्होंने जो शिष्य बनाए थे वह सिख कहलाने लगे और यही विभिन्न कारणों के फलस्वरूप एक पृथक धार्मिक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। तो आपको याद रखना है कि स्वयं नानक जी ने एक अलग धार्मिक संप्रदाय बनाने का विचार नहीं किया था, क्योंकि वह सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने जो शिष्य बनाए थे वह सिख कहलाने लगे थे और कुछ कारणों के फलस्वरूप कालांतर में यही सिख एक पृथक धार्मिक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो पाकिस्तान में है।
उन्होंने एक करतारपुर नामक नगर बसाया था जो कि अभी पाकिस्तान में है। इसी स्थान पर 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने एक नगर बसाया था करतारपुर, जो कि वर्तमान में यानी कि इनका जन्म और मृत्यु पाकिस्तान के ही नगर में हुई है। इनका जन्म हुआ था ननकाना साहब और इनकी मृत्यु हुई करतारपुर, यानी कि ये दोनों नगर पाकिस्तान में स्थित हैं। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने लगे। तो इनके बाद जो सिखों के अगले गुरु हुए गुरु अंगद देव हुए, और पहले गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु अंगद ने ही बाद में नानक जी द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया और सिख धर्म में आज तक जारी है। तो जो लंगर व्यवस्था नानक जी द्वारा आरंभ की गई थी अंतर्जातीय खान पान को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको गुरु अंगद ने स्थायी रूप दिया, जो कि सिख धर्म में आज तक जारी है। और सिख धर्म में इसको एक विशेष स्थान प्राप्त है लंगर व्यवस्था को। आपने भी इसका कभी आनंद लिया होगा। और यह सिख धर्म की एक पवित्र व्यवस्था मानी जाती है, जिसको आरंभ तो किया था नानक जी ने, लेकिन स्थायी रूप दिया उनके दूसरे गुरु अंगद देव जी ने। तो आपको यह सब याद रखना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके द्वारा कौन कौन से उपदेश दिए गए, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, और उनके द्वारा क्या क्या मुख्य कार्य किए गए समाज सेवा में। तो इस प्रकार हमने जाना कि उनका जीवन परिसर कैसा था। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के बारे में। चूंकि इनको सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए अगर हम बात करें इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं की, तो हम इसको सिख धर्म को जरूर रखेंगे इसमें, इनकी स्थापित संस्थाओं में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इन्होंने स्वयं कोई पृथक धार्मिक संप्रदाय बनाने का विचार नहीं किया था। कालांतर में इनके जो शिष्य हुए वह सिख कहलाने लगे, और किन्हीं कारणों से कालांतर में एक पृथक धार्मिक संप्रदाय के रूप में एक सिख धर्म सामने आया। तो इनके द्वारा यह सिख धर्म की स्थापना तो नहीं की गई थी, लेकिन चूंकि इनको इनका सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए इनकी संस्थाओं में हम सिख धर्म को जरूर इसमें रखेंगे। इनकी अगली स्थापित संस्था में अगर हम बात करें तो लंगर व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इन्होंने अंतर्जातीय खान पान को प्रोत्साहित करने के लिए एक भंडारा व्यवस्था शुरू की थी, जिसको लंगर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और इस व्यवस्था को गुरु अंगद देव ने स्थायी रूप दिया, जो कि सिख धर्म में आज तक जारी है। तो इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में हम दो को ले सकते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक और लंगर व्यवस्था। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबों के बारे में। नानक जी एक अच्छे सूफी कवि थे। आपको याद रखना है कि एक सूफी कवि थे, उनकी भाषा बहता नीर थी। एक सूफी कवि थे, उनकी भाषा थी बहता नीर, जिसमें फारसी, उल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समाये हुए थे। इनकी जो भाषा थी बहता नीर, उसमें कई भाषाओं के शब्द समाये हुए थे, और यह एक सूफी कवि थे। नानक जी ने अपने उपदेश छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिए थे, जिन्हें गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इन्होंने अपने उपदेश छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिए हैं। इनकी कविताओं में जप जी एक मुख्य कविता है। इस कविता से नानक जी के आध्यात्मिक विचारों का पता चलता है। इनकी एक कविता है जप जी, जो कि नानक जी के आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित है। और सिखों के लिए जप जी का वही महत्व है जो हिंदुओं के लिए गीता का है। तो सिख धर्म में इनकी एक कविता है जप जी, इसका बहुत अधिक महत्व है, जितना कि महत्व भारतीय हिंदू धर्म में गीता का माना जाता है। तो इनकी आपको एक कविता याद रखनी है जप जी। और एक स्वयं सूफी कवि थे, उनकी जो भाषा थी वह थी बहता नील, और इन्होंने अपने जो उपदेश हैं वह कविताओं के रूप में दिए हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें रचनाएं की गई। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा दिए गए प्रमुख नैतिक विचार और सिद्धांतों के बारे में। तो इनके विचार और सिद्धांतों को हम एक एक करके क्रम से विस्तार से जानेंगे। इनके विचारों में पहला है कि
नानक जी एक ईश्वरवादी थे, यानी नानक जी एक ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते थे। उनके अनुसार परमात्मा एक अनंत सर्वशक्तिमान सत्य निर्गुण और निराकार है। यानी नानक जी एक ईश्वरवादी थे और एक ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते थे। परमात्मा के लिए उन्होंने हरि नाम अल्लाह खुदा शब्दों का प्रयोग किया और इस प्रकार बताया कि राम और अल्लाह एक ही हैं। चूँकि वह एक ईश्वरवादी थे इसलिए एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, और जो हिंदू धर्म के राम थे व मुस्लिम धर्म के अल्लाह उनको उन्होंने एक ही बताया। अगले विचारों में हैं कि यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नानक जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे और कबीर जी की तरह ईश्वर की निराकार उपासना में विश्वास करते थे। यह समझते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है वह निराकार है, इसलिए यह मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और कभी संत कबीर जी की भांति ईश्वर की निराकार उपासना में विश्वास करते थे। इनके विचारों में तीसरा है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। नानक जी कहते थे कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान। वह कहते थे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, यानी इस तरह वह हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। वे दोनों धर्मों की समानता और एकता पर बल देते थे। वो कहते थे कि जाति पाति और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण है मानव का मानव से प्रेम करना। तो यह मानव का मानव यानी मानव प्रेम को यह बहुत अधिक महत्व देते थे और कहते थे कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, सभी मानव हैं और मानव होने के नाते प्रत्येक मानव को दूसरे मानव से प्रेम करना चाहिए। यानी यह दोनों धर्मों के जो लोग थे उनकी समानता में विश्वास करते थे और एकता पर बल देते थे। इनके विचारों में अगला है कि यह जाति प्रथा के विरोधी थे। वो कहते थे कि जाति पाति से अधिक महत्वपूर्ण है मानव का मानव से प्रेम करना, क्योंकि सभी मनुष्य तात्विक रूप से समान हैं। जाति प्रथा को समाप्त करने और अंतरजातीय खानपान को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की थी। नानक जी कहते थे कि जाति पाति से अधिक महत्वपूर्ण है मानव का मानव से प्रेम करना, यानी यह मानव प्रेम को अधिक बल देते थे और संसार में जितने भी मानव थे उनको कहते थे कि एक मानव होने के नाते आपको दूसरे मानव से प्रेम करना चाहिए। यानी यह मानव प्रेम में बहुत विश्वास रखते थे और जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए, चूँकि यह जाति प्रथा के विरोधी थे इसलिए इस प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक भंडारा व्यवस्था आरंभ की थी, इसको सिख धर्म में लंगर कहा जाता है, ताकि एक अंतरजातीय खान पान को प्रोत्साहित किया जा सके और जाति प्रथा को शिथिल किया जा सके और लोगों में एक समानता की भावना स्थापित की जाए, यानी मानव प्रेम स्थापित किया जाए। इनके विचारों में अगला है कि ये कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। हिंदू धर्म का जो कर्म सिद्धांत है उसमें नानक जी विश्वास करते थे। वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। उनके अनुसार बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही जीवन प्राप्त करता है। यानी यह कर्म सिद्धांत को बहुत बल देते थे और कहते थे कि कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही जीवन प्राप्त करता है। तो यह मानव कर्म पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, जैसा कि हिंदू धर्म में गीता के द्वारा कर्म को महत्व दिया गया है, उसी तरह नानक जी भी हिंदू धर्म की भांति कर्म सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। इनके विचारों में अगला है कि यह हिंदू धर्म के अवतारवाद सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। वे ईश्वर के मनुष्य रूप में अवतार पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार ईश्वर का मनुष्य रूप में जन्म लेने की कल्पना करना उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधना है, जबकि ईश्वर इससे मुक्त होता है। चूँकि वह मानते थे कि जो ईश्वर है वह सर्वशक्तिमान और निराकार है, इसलिए मनुष्य रूप में उसके जन्म लेने की कल्पना करना निरर्थक है, क्योंकि ईश्वर इससे मुक्त होता है। इसलिए वह हिंदू धर्म के अवतारवाद सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे। इनके विचारों में अगला है कि यह निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति पर बल देते थे। इनके विचारों में अगला है कि यह निर्वाण और मोक्ष प्राप्ति पर बल देते थे।
उनके अनुसार मनुष्य का परम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है। तो निर्वाण, जिसको मोक्ष भी कहा जाता है, तो नानक जी मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। वो कहते थे कि मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना है, जो आध्यात्मिक उन्नति द्वारा ही संभव है। वह मानते थे जो मोक्ष है, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना है और मोक्ष की प्राप्ति केवल आध्यात्मिक उन्नति द्वारा ही संभव है। आध्यात्मिक उन्नति यानी आत्मज्ञान। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके अनुसार आध्यात्मिक उन्नति द्वारा आत्मा जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। यानी जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसकी आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। वह मानते थे कि धरती के सभी मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति के हों या किसी भी लिंग के हों। तो इन्होंने सभी जातियों के लोगों को और महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया था, चाहे वह निम्न जाति के लोग हों या महिलाएं हों। इन्होंने सभी लोगों को मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया था। इनके विचारों में अगला है पांच दुश्मन। नानक जी ने आत्मज्ञान या भक्ति मार्ग में पांच दुश्मन बाधा के रूप में माने हैं। तो जानते हैं कि आखिर वह पांच दुश्मन कौन कौन से हैं। उनका मानना था कि भक्त को भगवान प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रभु इच्छा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। यानी आत्मज्ञान के लिए भक्त को अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। स्वयं के समर्पण से उनका तात्पर्य है पांचों दुश्मनों का समग्र खात्मा। तो नानक जी ने जो भक्ति मार्ग में और आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में जो पांच दुश्मन बताए हैं, उनको हम एक एक करके जानते हैं। तो इनके दुश्मनों में पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और पांचवा है अहंकार। तो यह पांच दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति करना है, अगर किसी भक्त को भगवान की प्राप्ति करना है या आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है या स्वयं का भगवान के प्रति समर्पण करना है, तो इन पांचों दुश्मनों का समग्र खात्मा जरूरी है। यानी नानक जी इन पांचों दुश्मनों के समग्र खात्मे पर विश्वास करते हैं। नानक जी कहते थे कि इन पांच दुश्मनों से जब मस्तिष्क दूर मुक्त होता है तभी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। इन सभी पांच दुश्मनों के खात्मे पर विश्वास करते थे। तो आपको यह पांच दुश्मन याद रखना है जो नानक जी द्वारा बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आपसे पूछे जा सकते हैं कि तीन नंबर में कि नानक जी के पांच दुश्मन कौन हैं, तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। इनके विचारों में अगला है कि यह सतनाम जप और गुरु की संगति पर बल देते थे। वो कहते थे कि प्रभु के सतनाम जप यानी ईश्वर के जप से ही स्वयं के पूर्ण समर्पण की प्राप्ति संभव है। उनके अनुसार सतनाम जप सभी बुराइयों का इलाज है। वह कहते थे कि अगर कोई ईश्वर का स्मरण या सतनाम जप करता है तो उसे स्वयं की पूर्ण समर्पण की प्राप्ति हो जाएगी और जो यह सतनाम जप है वह सभी बुराइयों का इलाज है। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी का इलाज है सतनाम जप। सतनाम जप और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो गुरु की संगति को विशेष महत्व देते थे। वह कहते थे कि अगर किसी भक्त को भगवान की प्राप्ति करना है तो उसको सतनाम जप के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु की संगति जरूरी है, इसलिए वह गुरु की संगति पर विशेष महत्व देते थे। क्योंकि यह बचपन में खुद गुरु की संगति में रहे, जो हिंदू मुस्लिम संत थे उनकी संगति में रहे, इसलिए इनको इनकी संगति का विशेष महत्व पता था। इसलिए यह किसी भी भक्त को सतनाम जप और ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु की संगति पर विशेष महत्व देते थे।
इनके विचारों में अगला है कि यह मानव सेवा का बल देते थे। नानक जी ने अपने उपदेशों से कई लोगों का हृदय परिवर्तन कर मानव सेवा की। इन्होंने अपने उपदेशों से कई लोगों का हृदय परिवर्तन किया और मानव सेवा की। जैसे ठगों को साधु बनाया, इन्होंने अपने उपदेशों से ठगों को साधु बनाया, कर्मकांडियों को कर्मकांडों से निकालकर भक्ति में लगाया, अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। तो इन्होंने अपने उपदेश से कई लोगों का हृदय परिवर्तन किया, जैसे ठगों को साधु बनाया, कर्मकांडियों को कर्मकांडों से निकालकर भक्ति में लगाया और अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। तो इस प्रकार इन्होंने अपने उपदेशों से लोगों का हृदय परिवर्तन कर उनकी सेवा की। इनके विचारों में अगला है कि यह धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों के विरोधी थे। उन्होंने लोगों को पवित्र जीवन जो आडंबर व अंधविश्वास से शून्य हो जीने की सलाह दी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जीवन जीने की सलाह दी जो कि आडंबर और अंधविश्वासों से मुक्त हो। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना की और इनका परित्याग करने को कहा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म में जितने भी अंधविश्वास और रूढ़ियाँ थीं उनकी आलोचना की और इनका परित्याग करने की बात की। उनके अनुसार धार्मिक कर्मकांड जैसे व्रत, पूजा, तीर्थ यात्रा, तिलक लगाना आदि व्यक्ति को धर्म के सत्य मार्ग यानी मोक्ष मार्ग से भटकाते हैं। वो कहते थे कि इनके स्थान पर व्यक्ति को दया, क्षमा, सत्य आदि सद्गुणों का पालन करना चाहिए। वह कहते थे कि जो भी धार्मिक कर्मकांड है जैसे व्रत, पूजा, तीर्थ यात्रा, यह व्यक्ति को मोक्ष मार्ग से भड़काते हैं। इनके स्थान पर व्यक्ति को दया, क्षमा, सत्य आदि सद्गुणों का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार केवल ईश्वर भक्ति ही व्यक्ति को मोक्ष दिलाने में सहायक है, कर्मकांड नहीं। वह मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति पर बल देते थे, ना कि धार्मिक कर्मकांडों पर। तो इस प्रकार उन्होंने धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों पर कटाक्ष किया और वह इन दोनों की समाप्ति पर विश्वास करते थे और इनके पूरी तरह से विरोधी थे। इनके विचारों में अगला है कि यह गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। संत कबीरदास जी की तरह नानक जी भी एक गृहस्थ संत थे। चूंकि नानक जी कबीरदास जी के एक अनुयायी थे, इसलिए उनकी ही तरह यह भी एक गृहस्थ संत थे, यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले एक महान संत थे कबीरदास जी की तरह नानक जी। नानक जी ने व्यक्ति को घर परिवार छोड़कर साधु या सन्यासी बनने का उपदेश नहीं दिया। इन्होंने कभी यह उपदेश नहीं दिया कि व्यक्ति को घर परिवार छोड़कर साधु या सन्यासी का जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वह एक गृहस्थ जीवन पर विश्वास करते थे। नानक जी के अनुसार संसार का अस्तित्व है। आदि शंकराचार्य मानते थे कि संसार मिथ्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आदि सिद्धांत जो कि शंकराचार्य द्वारा दिया गया है, और उस सिद्धांत में शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जो संसार या जगत है वह मिथ्या है। जबकि नानक जी मानते थे कि संसार का अस्तित्व है, वे इसे माया या छलावा नहीं मानते थे। वह संसार का अस्तित्व मानते थे, इसे माया या छलावा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। व्यक्ति को भीख मांगने या किसी अन्य से भोजन मांगने के स्थान पर अपनी ईमानदारी व परिश्रम से धन कमाकर स्वयं एवं परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। वह कहते थे कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और ईमानदारी व परिश्रम से धन कमाकर स्वयं एवं परिवार का पालन करना चाहिए। चूँकि यह गृहस्थ जीवन पर बल देते थे, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति आत्मनिर्भर होने पर भी यह बल देते थे और कहते थे कि व्यक्ति को ईमानदारी व परिश्रम से धन कमाकर अपना व परिवार का पेट जो पालन पोषण करना चाहिए। इनके विचारों में अगला है कि यह नर नारी समानता पर बल देते थे। गृहस्थ जीवन के लिए नारी को उन्होंने नर का साथी एवं सहयोगी बताया। चूँकि नानक जी स्वयं एक गृहस्थ संत थे, इसलिए नारी की महिमा को समझते थे, इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन के लिए नारी को नर का साथी और सहयोगी बताया। नानक जी ने नारी मुक्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, जैसी
जैसे सती प्रथा का विरोध। इन्होंने जो उस समय समाज में जो एक कुप्रथा थी सती प्रथा, उसका काफ़ी विरोध किया और नारी मुक्ति में अपना अहम योगदान दिया। साथ ही मोक्ष प्राप्ति का अधिकार भी महिलाओं को दिलाया, क्योंकि उस समय मोक्ष प्राप्ति का अधिकार केवल उच्च जाति के लोगों को एवं पुरुषों को था, लेकिन नानक जी मानते थे कि मोक्ष प्राप्ति का अधिकार सभी व्यक्तियों को होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या लिंग के हों। तो इन्होंने नारी मुक्ति के लिए सती प्रथा का विरोध किया, साथ ही मोक्ष प्राप्ति का अधिकार भी महिलाओं को दिलाया और यह गृहस्थ जीवन के लिए नारी को नर का साथी एवं सहयोगी बताते थे, यानी इन्होंने नर और नारी की समानता पर काफ़ी बल दिया। इनके विचारों में अगला है इनकी 10 शिक्षाएं। तो नानक जी के द्वारा जो 10 शिक्षाएं दी गई थीं, उनको हम एक एक करके जानते हैं। तो इनकी पहली शिक्षा है ईश्वर एक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नानक जी चूँकि एक एकेश्वरवादी थे, इसलिए वे मानते थे कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसको राम कहें या अल्लाह कहें। तो इनकी पहली शिक्षा थी कि ईश्वर एक है। इनकी दूसरी शिक्षा है सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। एकेश्वरवादी होने के कारण यह मानते थे कि सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तीसरी शिक्षा है ईश्वर सब जगह और सब प्राणी मात्र में मौजूद है, यानी यह ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे और कहते थे कि वह सब जगह और सब प्राणी में मौजूद है। इनकी चौथी शिक्षा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। वह कहते थे कि जो भगवान की भक्ति करता है उसको किसी का भय नहीं रहता। इनकी अगली शिक्षा है कि सभी स्त्री और पुरुष समान हैं। वह कहते थे कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, सभी मानव हैं, इसलिए सभी समान हैं। इनकी अगली शिक्षा है ईमानदारी से और मेहनत करके उदय पूर्ति करना चाहिए। वह कहते थे कि ईमानदारी से और मेहनत करके अपना व परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। अगली शिक्षा है बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी को सताएं। वह बुरा कार्य करने के सख्त खिलाफ थे और कहते थे कि ना तो इसके बारे में सोचना चाहिए, ना ही इसके प्रति किसी को सताना चाहिए। सदा प्रसन्न रहना चाहिए, वह कहते थे कि व्यक्ति को सदा प्रसन्न रहना चाहिए और ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए, यानी सदा अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो ईश्वर से उसके प्रति खुद को क्षमा मांगना चाहिए। वह कहते थे अगली शिक्षा में कि भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। वह कहते थे कि व्यक्ति के पास इतना भोजन होना चाहिए ताकि उसका जो शरीर है वह जिंदा रह सके और उसको जो संग्रह प्रवृत्ति है, जो मोह माया की प्रवृत्ति है, लोभ लालच की, उससे दूर रहना चाहिए। तो वह संग्रह प्रवृत्ति को बुरा मानते थे और इतनी संपत्ति को ज़रूरी मानते थे जिससे उसका और उसके परिवार का लालन पोषण हो सके। अगली शिक्षा में कहते हैं, लास्ट शिक्षा है इनकी, कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से ज़रूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। वह कहते थे अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से कुछ कमाते हैं तो उसमें से अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको भी कुछ देना चाहिए। तो इनकी जो 10 शिक्षाएँ थीं, इनको हमने संक्षेप में जाना। इनकी पहली शिक्षा है ईश्वर एक है, दूसरी है सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर सब जगह और सब प्राणी मात्र में मौजूद है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता, सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं, ईमानदारी से और मेहनत करके उदय पूर्ति करना चाहिए, बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी को सताएं, सदा प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगना चाहिए, भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से ज़रूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। तो आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि नानक जी की किन्हीं 5 शिक्षाओं को लिखिए, या पूछ सकते हैं 6 नंबर में कि नानक जी की शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको याद रखना है इनके 5 दुश्मन और इनकी 10 शिक्षाएँ। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो हमारे वीडियो आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है, जो हम आपको मेंस में लिखने के लिए देते हैं,
और जिस वीडियो जिस टॉपिक पे जो वीडियो है उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गुरु नानक देव जी, तो इसी टॉपिक पे हमारा जो आज का क्वेश्चन है मेंस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ईश्वर एक है और हम सब उस एक प्रथा की संतान हैं, नानक जी के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपका क्वेश्चन है ईश्वर एक है और हम सब उस एक प्रथा की संतान हैं, नानक जी के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपका आपको यह आंसर 150 शब्दों में लिखना है, जैसा कि आपके मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। 6 नंबर में क्वेश्चन आपका हो उसका आंसर 150 शब्दों में लिखना होता है, तो आप इसका आंसर जरूर लिखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप इसका आंसर लिख पा रहे हैं नहीं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके अगले विचारक संत कबीरदास जी के बारे में। तो जो भी नए व्यक्ति हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि थिंकर्स वीडियो सीरीज में जो भी हमारे नए वीडियो आने वाले हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो हमने आपको प्री के लिए वो प्री करंट अफेयर क्वेश्चन आपको दिया है शुरुआत में, उसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर आपको पता हो तो। तो जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।